नमस्कार। कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन गठबंधन के टिकट की दावेदार है। समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया गया है। कुछ समय पहले तक हसन परिवार रालोद मुखिया जयंत चौधरी की गुड़बुक में था, लेकिन अब चर्चा है कि स्थिति बदल गई है और रालोद मुखिया जयंत चौधरी इकरा हसन से नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल नगर निकाय चुनाव में कैराना नगर पालिका में इकरा हसन मतलब हसन परिवार किसी भी कैंडिडेट के समर्थन में खुलकर नहीं आया था। कांधला नगर पालिका के चुनाव में रालोद और सपा ने आमने सामने चुनाव लड़ा था। सपा से उम्मीदवार नजमुल थे, जबकि रालोद से फैजल। नजमुल चुनाव जीत गए थे और फैजल तीसरे स्थान पर रहे थे। नजमुल को इकरा हसन ने खुलकर और मजबूती से चुनाव लड़ाया था। चर्चा है कि यहीं से बात खराब हुई। रालोद के कुछ नेता और कार्यकर्ता दबी जुबान में यह भी कह रहे हैं कि इकरा हसन की कही कुछ बातें भी जयंत चौधरी तक गई हैं। ऐसे में जयंत चौधरी इकरा हसन से नाराज बताए जा रहे हैं। रालोद के जो कार्यकर्ता इकरा हसन या हसन परिवार के साथ दिखा करते थे, उन्होंने भी अब दूरी बना ली है, जिसके चलते जयंत की नाराजगी की चर्चाओं को हवा मिल रही है। इस खबर से कैराना सीट से टिकट के अन्य दावेदारों के चेहरे पर भी उम्मीद के भाव दिखने लगे हैं। चर्चाओं में कितना दम है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो इकरा हसन को ही टिकट का प्रबल दावेदार और मजबूत कैंडिडेट कैराना सीट पर माना जा रहा है। वहीं पिछले दिनों इकरा हसन के एक समर्थक ने वरिष्ठ रालोद नेता एवं पूर्व सांसद अमीर आलम खान पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगा दिया था। इस मुद्दे को जयंत चौधरी के दरबार तक ले जाने की तैयारी कुछ नेता कर रहे हैं। बता दें कि 2018 के उपचुनाव में इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2019 में सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। इकरा हसन वेस्ट यूपी के दिग्गज राजनेता रहे मुनव्वर हसन की बेटी हैं। कैराना विधायक नाहिद हसन उनके भाई हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से इकरा हसन चर्चाओं में आई। नाहिद हसन जेल में थे और ऐसे में भाई का पूरा चुनाव इकरा हसन ने ही संभाला था।